हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल अंडा कड़ी की रेसिपी। उसके लिए मैंने यहाँ पे अंडे बॉयल करके उनको बाहर से थोड़ा थोड़ा कट कर लिया है। अब मैं इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले इसके अंदर भी चले जाएँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रहे, एक एक करके ही डालेंगे ताकि उस छींटे हम पे ना आए। फ्रेंड्स जब हमारे अंडे हल्के से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तब हम इन सबको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। फ्राई किए हुए अंडे निकाल के फ्रेंड्स अब मैं उसी ऑयल में तेजपत्ता, लाल मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च को ऐड कर लूँगी। उसके साथ हम थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे। मैंने यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा लिया है, आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी यहाँ पे गरम मसाले ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऑनियन कट किया हुआ छोटा छोटा उसमें ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके इनको हम गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। अभी ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लूँगी। इसको भी अच्छे से मिक्स करके जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा ये कड़ी मसाला था ये ऐड किया है। आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके हम ऑनियन को थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे चार छोटे छोटे टमाटर मिक्सी में पीस लिए हैं, अब हम उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेती हूँ ताकि मसाले जले ना। और मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, अब मैं इसमें नमक ऐड कर लूँगी ताकि हमारा टमाटर अच्छे से इसके साथ पक जाए। जब टमाटर हमारा मसालों के साथ अच्छे से मिक्स होके पक जाए तब मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर लूँगी। फ्रेंड्स आपको जिस हिसाब से सूप चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे, कम या ज़्यादा। मेरे को थोड़ा सा सूप चाहिए तो मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करके, मैंने यहाँ पे दो छोटे छोटे आलू भी बॉयल किए थे, मैं इन आलू को भी इसमें मैश करके इसमें ऐड कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करके इनको बॉयल होने देंगे। फ्रेंड्स अभी हमारा कड़ी अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए अंडे ऐड कर लूँगी, उनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कुछ देर के लिए हम इनको ढक के रख देंगे ताकि ये भी अच्छे से मसाले इनके साथ पक जाए।
और फ्रेंड्स कुछ देर ढकने के रखने के बाद ये देखिए हमारा अंडा कड़ी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।